आज हम लोग एक्सरसाइज 7 देखेंगे। कौन सा एक्सरसाइज देखेंगे? 7 एक्सरसाइज। किसी को बनाने में कोई दिक्कत? नो सर। सब बना लिए हो? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए मिलाते हैं। बर्फ ठंडी होती है, आइस इज कोल्ड। दूध मीठा लगता है, मिल्क इज स्वीट। पानी उपयोगी होता है, वाटर इज यूजफुल। कोयला काला होता है, कोल इज ब्लैक। चीनी मीठी होती है, शुगर इज स्वीट। आग गर्म होती है, फायर इज हॉट। आम मीठा होता है, मैंगो इज स्वीट। आदमी मरणशील होता है, मैन इज मोर्टल। गाय सीधी होती है, यही ना गलती हो गया। हाँ, क्या समझाए थे कि एक बोध होना चाहिए और जिसको गिन सकते हैं। जैसे चीनी को गिन सकते हैं? नहीं। दूध को गिन सकते हैं? नहीं। पानी को गिन सकते हैं? गाय को गिन सकते हैं ना, गिनने वाला है ना। और संख्या में कितना है? एक है। तो शुरू में क्या लग जाएगा? द। तो गाय सीधी होती है, द काउ इज सिंपल। द काउ इज सिंपल। सिंह मजबूत होता है, द लायन इज स्ट्रॉन्ग। एक सिंह की बात हो रही है ना। इसको अभी समझ में आप लोग को उतना नहीं आएगा। सिंगुलर कॉमन नाउन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। तो सीधा समझ लो, जिसकी संख्या एक हो और जिसे हम गिन सकते हैं, उसी का ना संख्या एक होगा। तो एक संख्या में होगा और वह सब्जेक्ट के रूप में शुरू में आएगा, तो हम द लगा देंगे। तो द लायन इज स्ट्रॉन्ग। बच्चे नटखट होते हैं, द नहीं लगाएंगे। बच्चे मतलब कितना? एक से अधिक। अभी तुरंत क्या बताए? संख्या में क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो बच्चे कहे तो एक की बात हो रही है? नहीं, बच्चे माने बहुत सारे। तो क्या होगा? चिल्ड्रेन आर नट्टी। चिल्ड्रेन आर नट्टी। सांप डरावना होता है, द स्नेक इज फियरफुल। साधु दयालु होते हैं, सेंट्स आर काइंड। क्या होगा? सेंट्स आर काइंड। साधु का संदर्भ, शिक्षक का संदर्भ हमेशा प्लुरल से होता है। तो साधु दयालु होते हैं, तो क्या होगा? सेंट्स आर काइंड। क्या होगा? सेंट्स आर काइंड। कोई दिक्कत किसी को? गाय नेक होती है। हाँ, इसमें द नहीं लगेगा, सही बनाए। गायें लिख दिए, गायें मतलब एक से अधिक। तो सीधा क्या होगा? काउज आर जेंटल। क्या होगा? कोई दिक्कत? बिल्ली फुर्तीली होती है, द कैट इज एक्टिव। क्या होगा? द कैट इज एक्टिव। किसान परिश्रमी होते हैं। इसको दो तरह से बना सकते हैं, लेकिन किसान का भी संदर्भ प्लुरल में होता है, तो इसमें कहेंगे फार्मर्स आर लेबोरियस। क्या कहेंगे? फार्मर्स आर लेबोरियस। लेकिन अगर आप ऐसा बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं द फार्मर इज लेबोरियस। क्या बनाएंगे? द फार्मर इज लगाएंगे तो द लगाएंगे, आर लगाएंगे तो फार्मर्स लगा देंगे। बात समझ में आया? शिक्षक दयालु होते हैं, टीचर्स आर काइंड। शिक्षक, साधु, किसान, ये हमेशा प्लुरल संदर्भ किया जाता है, इसलिए क्या होगा? टीचर्स आर काइंड। माँ दयालु होती है, मदर इज काइंड। बात समझ में आ रहा है? Yes, किसी को कोई दिक्कत? No.